नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी फटाफट। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। यूपी फटाफट में आपको रूबरू कराएंगे यूपी की बड़ी खबरों से। किसान बिल के खिलाफ दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसे लेकर एसपी ने भी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर किसानों को समर्थन दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रदेश भर में एसपी नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया, तो वहीं कई पूर्व मंत्रियों समेत सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग लगाई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव पास में ही धरने पर बैठ गए। वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, गोरखपुर, मेरठ सहित कई जिलों में एसपी नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। कन्नौज में किसान यात्रा निकालने की जिद पर अड़े एसपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहाँ भी कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। सरकार द्वारा किसानों के विरोध में पास बिल का विरोध देश भर में हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के समस्त जनपदों में किसान रैली निकालकर इसका विरोध दर्ज कराने का फरमान जारी होते ही चंदौली में दर्जनों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने चकिया तिराहे पर धरना देना शुरू कर दिया, जिसको लेकर भारी संख्या में प्रशासन धरना प्रदर्शन को रोकने के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में लगभग एक घंटे तक तीखी नोकझोंक भी हुई। साथ ही पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बावजूद इसके सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रशासन और शासन के खिलाफ नारेबाजी की। बहराइच में भी किसान बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह की अगुवाई में हजारों सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जुलूस निकालकर किसानों को जागरूक रहने की अपील की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह ने कहा कि बधुआ मजदूरी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा ये जो किसानों के विरोध में काला कानून लाया गया है, समाजवादी पार्टी इसका लगातार विरोध करती रहेगी। अगली खबर लखनऊ से है। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में जहां देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि कृषि से जुड़े तीन नए कानून को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमारी पार्टी इनका समर्थन करती है। वहीं 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को भी बसपा सुप्रीमो ने अपना समर्थन दिया है। कानपुर दुर्दांत दुबे उर्फ विकास दुबे का महिमा मंडन करने वालों पर अब कानपुर पुलिस की नजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए है। विकास दुबे के महिमा मंडन करने वाले लोगों पर अब कानपुर पुलिस की साइबर सेल की निगाहें फेसबुक पेज पर लगी है। मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला फैंस क्लब के 8000 से ज्यादा सक्रिय सदस्यों की साइबर सेल पड़ताल कर रही है। अब सोशल मीडिया पर भी विकास दुबे का सफाया होगा। प्रसूता को जिला अस्पताल महिला से प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की बात कहती हुई आशा बहू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 102 एम्बुलेंस कर्मी व आशा बहू की मिलीभगत से एम्बुलेंस का दुरुपयोग कर रहे मरीज को महिला जिला अस्पताल लोहिया लाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के महिला जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। रामपुर में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार से जा रहे गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मारी। इस हादसे में ड्राइवर सहित तीन की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शाहबाद कोतवाली के आंवला मार्ग की बताई जा रही है। घटना में मरने वाले ड्राइवर और माँ बेटी है, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के रामपुर में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत रामपुर पहुंचे और उन्होंने रामपुर पनवाड़िया स्थित नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर लगने वाले हुनर हाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जल संचय राज्य मंत्री बलदेव सिंह और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये हुनर हाट 18 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ पर लगभग 27 राज्यों के लोग आएंगे, जो अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। किसान बिल के विरोध में कई प्रदेशों के किसान दिल्ली में लगातार बीते 12 दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी प्रदर्शन को लेकर सपा मुखिया के आह्वान पर कौशाम्बी के चाकवन में सपा के जिला सचिव मुहाजिद हुसैना ने तमाम सपा कार्यकर्ताओं के साथ किसानों के समर्थन में व सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला, तो कोखराज पुलिस ने भी दर्जन भर सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर थाने ले गई।
योगी सरकार ने लव जिहाद के मामले पर अंकुश लगाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाया। एक के बाद एक मामले भी प्रकाश में आए, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी की। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लव जिहाद कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात भी कही है। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस कानून के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। बागपत में बीमारी ठीक कराने के नाम पर कितने ही परिवारों का धर्म परिवर्तन कराए जाने की आशंका जताई गई है। दरअसल हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष का दावा है कि ईसाई मिशनरी गांव के लोगों का कई साल से धर्म परिवर्तन करा रही है। उनका कहना है कि इस काम में लगभग 20 से ज्यादा लोग लगे थे, जो जंगल में टेंट लगाकर उपचार के नाम पर इनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यूपी फटाफट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।